Good morning, this is Pramod Jaiswal. I would like to thank you for clicking on to my video and being benefited. Today I am going to start with passive, active, passive voice. This is my fourth video. I have already made you understand the rules and you have to keep it in your mind. So here are further examples according to the questions which come in your competitive examinations. There are four options out of which you have to select the correct one. So let's discuss one by one the questions. Did he remember the date and time? Now in active passive voice, first thing is to point out the object. The date and time is the object. Now the tense, did remember is the tense, that is past tense. These are two things. So whenever I told you that if there is a question with did, it will be changed to was. If it is do or does, it will be changed to is according to the subject, or do and does, is, are, or am, according to the subject, is he, are they, am I, like this. So start would be like this. So as I have, if you know the rules, now first thing, the date and time is plural. So that means it would become with past tense is, did he remember, means it should be past tense. The past tense means did, the answer is did, start with did. So this will be incorrect. So this is are, this is present tense, this is also incorrect. Now you have to opt for first thing is you should mark out jo wrong hai, usko aap hata dijiye according to your rule, jo rule ke hisab se aapko chalta hai. To rule ke hisab se ab aata hai, ye past tense hai, to ye bhi past hai, ye bhi past hai. To was he remembered? To remembered, was he remembering? To ye continuous tense hai. Continuous tense, he remembering, और वो भी active voice में है. Was he remembering, ये active voice में है. तो active तो question already है, इसलिए ये भी कट जाता है. तो ये C correct है. अब आइए हम देखते हैं, reasoning करते हैं कि कैसे correct है. उसको असल चीज़ देखना होता है, reasoning कैसे correct है. तो मैंने आपको बताया कि जैसे दो plural है तो word ठीक है. Where the date and time दो चीज़ है. डेट एंड टाइम दो पॉइंट है. तो वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड, चूंकि पास्ट टेंस है तो वर्ब हो जाएगा वर एंड रिमेंबर्ड. वर्ब क्या हो जाएगा? वर एंड रिमेंबर्ड, स्मॉल आर होगा. ये V3 फॉर्म ऑलवेज रहता है. तो क्वेश्चन फॉर्म थोड़ा सा टफ होता है. वर डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम. तो हम देखते हैं कि सी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो क्वेश्चन फॉर्म थोड़ा सा टफर साइड होता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा. जरा सा ये फॉर्मूला याद रखिएगा. डिड रहे तो वॉज या वर हो जाएगा, वर भी होगा. डू और डज रहेगा तो इज होगा, आर होगा, एम होगा. नो इसमें आइए, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड. ये पहले देखना है कि ये एक्टिव है या पैसिव. तो वेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वो एक्टिव होता है. वेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वो एक्टिव होता है. तो अब इसका आंसर जो है वो पैसिव में है, एक्टिव पैसिव है. तो अब देखना है वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड. तो ओ होल, होल ये ऑब्जेक्ट है, होल जो है वो ऑब्जेक्ट है. टेंस क्या है? वर. टेंस पास्ट टेंस है. तो ये ध्यान देना है. तो होल, अब देखते हैं हैड बीन. हैड बीन तो वो चेंज कर दिया, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब में. वॉइस में टेंस नहीं चेंज होता है. तो वॉज वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में होता है, कि वॉज हैड बीन में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. तो ये रॉन्ग हो गया. इन द ग्राउंड द बॉयज डग अ होल. द
तो बॉयज डग होल ये एक्टिव हो गया, तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, वैसे ही ये इनकरेक्ट हो गया। तो आइए देखते हैं, एक्सप्रेस द सेम सेंटेंसेस इन एक्टिव पैसिव फॉर्म। अगर एक्टिव है तो पैसिव में आंसर आएगा, पैसिव है तो एक्टिव में आएगा। तो इन द ग्राउंड, अ होल इन द ग्राउंड, अब एक है अ होल इन द ग्राउंड हैज बीन डग, ये हैज बीन डग है, ये भी वर्ड है, वर्ड डिगिंग, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्वेश्चन है पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द होल वॉज, अब यहाँ वॉज है, यहाँ वर है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बॉयज है इसलिए वर होगा, यहाँ सब्जेक्ट होल है इसलिए वॉज होगा। अब बीइंग इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, द होल वॉज बीइंग डग, ये V3 फॉर्म है, तो ये करेक्ट होगा, अ होल was being dug, being जो use होता है वो continuous form में होता है, was ये past है तो past ये ठीक है, इसलिए ये correct होगा, was being dug। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है always। अब आइए next में, we must now deal with, ये must model है, deal with, must deal, present tense model के साथ use हुआ है, तो मस्ट वैसे ही रहता है, उसमें बी लग जाता है, मॉडल्स के साथ बी लग जाता है, हाँ? जैसे दिस प्रोजेक्ट, ही मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट मस्ट बी फिनिश्ड, मस्ट बी के साथ V3 फॉर्म लग जाता है। आइए देखते हैं, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, तो दीज प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि दीज प्रॉब्लम्स तो सभी है, कौन किसको किसको ना हम कह सकते हैं, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डेल्ट विथ, ये तो ठीक लग रहा है, ये मस्ट नाउ बी डीलिंग, ये तो इनकरेक्ट है, तो इसको काट दिया जाए, मस्ट नाउ डील विथ, ये प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, दीज प्रॉब्लम्स आर टू बी डेल्ट, ये आर चेंज हो गया, मस्ट के जगह आर नहीं होगा, आर इज इनकरेक्ट, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, 3 नेगेटिव हो गया तो ये बच जाता है, ये करेक्ट है, लेकिन लेट अस चेक कि सही है कि नहीं रूल के हिसाब से। तो दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी लग गया, मस्ट है ही, डेल्ट V3 है ही, तो मस्ट नाउ बी डेल्ट विथ, यही है, यही फॉर्मूला है, तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए ओपन द डोर, ओपन द डोर जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इसमें वर्ब टू इन्फिनेटिव में चेंज होता है, वर्ब इज चेंज टू इन्फिनेटिव, टेंस नहीं बदलते और वो V3 फॉर्म भी नहीं बदलते। तो ओपन द डोर, the door must be opened, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, जैसे should be use होता है, must नहीं होगा, must is not, will भी नहीं होगा, ये future tense है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, is present tense हो जाता है, ये भी कट गया, तो let से भी begin होता है, let the door be भी है, opened V3 form है, तो this one is correct। तो जैसे द डोर शुड बी ओपन, इसका एक और आंसर है, द डोर शुड बी ओपन,
ये भी जान लीजिए, और लेट द डोर बी ओपन। दोनों करेक्ट। तो इस तरीके से ये भी हम आ जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टेंसेस, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सभी में रूल्स अलग अलग होते हैं। हमेशा याद रखिए कि कंटिन्यूअस टेंस में बी ई आई एन जी होता है, तो आंसर में बीइंग लगा। पास्ट टेंस में जो होता है परफेक्ट में, परफेक्ट इसमें नहीं है। पास्ट टेंस जो हुआ क्वेश्चन फॉर्म में डिड का वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लिए हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के हिसाब से चलेगा। तो इसी तरीके से और भी हम वीडियोस देखते रहेंगे, आते रहेंगे कुछ नई नई चीज़ें लेकर। और अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोज़ आपको मिलते रहें। एंड Have a good time. Thanks.